हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगुलर 9। ये हमारा 32 ट्यूटोरियल है एंगुलर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने कंपोनेंट को यूज़ करने की। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऐप कंपोनेंट और HTML है, यहाँ पर मैं H2 टैग ना यूज़ करके किसका यूज़ करूँगा, रेसिपी और शॉपिंग लिस्ट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर से इसे डिलीट कर लूँगा सबसे पहले, फिर हम लोग किसकी यूज़ करेंगे, ऐप, और इसके बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे अपने शॉपिंग लिस्ट का। और यहाँ पर हमने रेसिपीज़ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो इस वजह से ये रेसिपीज़ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि टाइपोज ना कर दें कोई। तो यहाँ पर देखिए, रेसिपीज़ वर्क, उसके नीचे शॉपिंग लिस्ट वर्क, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। रेसिपी कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में चेंज करेंगे हम अपने। अब यहाँ पर इसे डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बना लूँगा जिसमें मैं रो रखूँगा कुछ, तो डॉट रो, और इसके अंदर एक COL कॉलम बनाते हैं, मेड 5 जिसका साइज होगा। और इसके अंदर हम सिंपली क्या लिखते हैं, ऐप रेसिपी लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐप लिस्ट, और फिर एक और हम लोग कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट COL मेड, और इसको 7 देते हैं साइज। और इसके अंदर हम किसको कॉल लेते हैं, ऐप रेसिपी लिस्ट को, ऐप रेसिपी जो डिटेल होगी उसको यूज़ कर लेंगे, डिटेल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने उसको क्रिएट कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे अपने कंपोनेंट को जो कि हमने ऐड नहीं किया था, recipes/detail-work। इस तरीके से हमारा आ रहा है जिस तरह से हमने क्रिएट किया था। हम एक कंपोनेंट ऐड करना भूल गए थे, लेकिन अब वो हमने अब कंपोनेंट को ऐड कर लिया है। रेसिपी लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर जो हमें HTML फाइल मिल रही है इसमें हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर से इसे डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पर से इसे रेसिपी आइटम्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ऐप रेसिपी आइटम, और इसे क्लोज कर लेंगे, और इसे सेव कर लेते हैं, और आउटपुट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी आइटम्स वर्क, रेसिपी डिटेल वर्क, इस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट होकर आ रहा है शॉपिंग लिस्ट, और शॉपिंग लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल में हम लोग जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक रो बनाता हूँ सबसे पहले मैं, और उस रो के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कॉलम बनाऊँगा, 10 का बनाते हैं इसे। सबसे पहले लिखूँगा ऐप, फिर लिखूँगा यहाँ पर शॉपिंग, और यहाँ पर लिखूँगा मैं एडिट, इसका यूज़ कर लूँगा। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन HR, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग का यूज़ कर लूँगा जिसमें मैं लिखूँगा द लिस्ट, और इसे सेव कर लूँगा, और आउटपुट को हमारे चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है। हेडर थोड़ा सा हमारा अजीब सा लग रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स और प्लेलिस्ट पे वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।